वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम करने वाले अपना रूम का ऑटोमेशन। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि विवेक मेरा एक दोस्त, उसने कैसे अपने रूम में ऑटोमेशन किया। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, क्लास टेंथ का बच्चा भी वो चीज कर सकता है। बट द थिंग इज कि बहुत लोग करते ही नहीं है वो सब चीजें, ठीक। दे जस्ट सी कि ये साइंस प्रोजेक्ट है, उसको सीखते हैं एंड दे थ्रो इट अवे। बट उस बंदे ने अपना रूम ऑटोमेट किया, प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया, प्रैक्टिकल किया। सो मैं अपना ये वाला रूम ऑटोमेट कर, करंटली मेरे रूम में अभी बस ये जो तीन चार सॉकेट्स हैं ये है। बेसिकली मैंने क्या किया है, अपने रूम में एलईडी लाइट्स लगा दी हैं। तो यहाँ पे ये सॉकेट, ये एलईडी लाइट जलती है, ठीक है। एंड हाँ, मैंने यहाँ पे एक वाइट एलईडी लाइट भी लगाई है। सो यहाँ पे पूरा का पूरा ये यू नो टेबल रात में बहुत अच्छा व्यू बनता है अगर मैं वाली ट्यूबलाइट बंद कर दूँ। अब देखो ध्यान से कितना शालीन लग रहा है ना, रात में तो और अच्छा लगता है बिकॉज अभी खिड़की से जो लाइट आ रही है वो भी नहीं आ रही होती है, तो रात में बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ नीचे भी एलईडी स्ट्रिप लगा दी है तो काफ़ी क्लीन दिखता है। बट द थिंग इज कि मैं रात में 11-12 बजे के आसपास यहाँ से उठ के अपने बिस्तर पे चला जाता हूँ लैपटॉप के साथ। अब होता क्या है, ये वाली लाइट बंद करने में बड़ी आलस आती है, तो कई बार रात को लाइट जलती रह जाती है ना। मेरे पास गूगल होम मिनी है, इससे हम अपना यहाँ पे नोड एमसीयू जो भी ऑटोमेशन वाला काम वो करेंगे। देन आई विल बी एबल टू स्विच ऑफ माई रूम लाइट्स विथ अ सिंगल क्लिक। तो ये बड़ा ही सिंपल सा काम है जो कि अब हम करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का सामान मंगाना था जो कि अभी कुछ देर पहले विवेक के रूम पे आया है। ऑल्सो यार, कुछ लोग पूछोगे कि ये सब मैंने क्या लिख रखा है ना, ऑल दिस थिंग्स। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑन विच आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैंने ये अंकुर वारिको के एक ट्विटर थ्रेड से उठाया था एंड आई एम वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। सो बेसिकली विवेक क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये जो ब्लू वाला है दिस इज रिले एंड दिस इज नोड एमसीयू ब्लैक वाला। सो इसको बस ये हेक्स स्पेसर से कनेक्ट कर रहा है। ओके या विवेक, ये जो जम्पर वायर्स निकले हैं और यहाँ पे लगाए हैं ये कैसे डिसाइड हुआ? बेसिकली देख, चार रिलेज हैं, चार रिलेज के कॉरेस्पॉन्डिंग चार पोर्ट्स हैं, इन वन इन टू, जिनकी बाइनरी वैल्यूज होती है 1, 2, 0, 1। आई एन 1, आई एन 2, आई एन 3, आई एन 4। सो बेसिकली तुझे सिर्फ दो स्विच कंट्रोल करने थे, तो मैंने सिर्फ आई एन 1 और आई एन 2 में कनेक्ट किया है। नोड एमसीयू में ये GPIO पिंस है अपने, D1, D2, D3, D4, D5, D6 GPIO पिंस है, जिनसे जिनको तू सिग्नल देगा। जब तू गूगल मिनी को बोलेगा कि टर्न ऑन द लाइट लाइक दिस, तो वो वाईफाई से इसको जो कमांड भेजेगा, तो फिर वो इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको भेजेगा। तो इसके GPIO पिंस कनेक्ट करना है, GPIO D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 लाइक दिस। तो मैंने D5 और D6 का यूज़ किया है इसमें, तो D5 और D6 को IN1 और IN2 से कनेक्ट को पावर करने के लिए यहाँ पे दो पिन है, वी इन और ग्राउंड। तो ये वी इन और वोल्टेज इनपुट और ग्राउंड है। हाँ, तो ये क्या करेगा, रिले को पावर देगा, ठीक है। लाइक रिले को ऑन करने के लिए पावर चाहिए पूरे रिले मॉड्यूल को, तो वी इन और ग्राउंड से अपन इसमें पावर लेंगे। नोड एमसीयू को पावर करने के लिए अपन यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट, मोबाइल के जो चार्जर आते हैं, तो उससे उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। सो ये वी इन जो है और ये ग्राउंड, दिस आर कनेक्टेड टू दिस रिले। VCC 5 वोल्ट देता है, ग्राउंड 0, सो एक तरह से 0 और +5, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। अच्छा विवेक, ये बताओ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वॉज योर पैशन या फिर बस जे रैंक आई तो मिल गया और ले लिया? मुझे हार्डवेयर पर अच्छा, हार्डवेयर साइड पर अच्छा लगता था, लाइक मुझे चीज़ें क्रिएट करना पसंद है। अच्छा, और भी इंटरेस्ट है मेरे लिए सॉफ्टवेयर वगैरह में, बट मुझे चीज़ें, नई नई चीज़ें बनाना, हार्डवेयर पे काम करना अच्छा लगता था। जब मैं 3-4 साल का था, मैंने अपने घर का पूरा टीवी खोल दिया था। बंद कर पाए थे कि नहीं? पहले बंद नहीं कर पाया। मैंने भी बहुत सारे तोड़े बचपन में, तोड़े नहीं कर पाया। मतलब मैं छोटा था, खोल तो सारी चीज़ें थे पर बंद कभी कुछ नहीं कर पाया, बस वो सीखने के लिए आइडिया आ गया। सही है। तो यहाँ पे केवल मैं केवल दो ही स्विच यूज कर रहा हूँ यहाँ पे टू कंट्रोल वट एवर थिंग आई वॉन्ट। तो यहाँ पे 1 और 2 मेन पोर्ट, अदरवाइज 3 और 4 कंट्रोल करना होता तो 3 और 4 का भी यहाँ पे देना पड़ता।
ठीक, सेम प्रोसेस। सो यार अब देखो इसमें बेसिकली थोड़ा सा कोड अपलोड करने का काम है, तो यहाँ पे विवेक ने आर्डिनो का खोला है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कोड पूरा का पूरा। यहाँ पे तू अपने जो वाईफाई है जैसे तू कनेक्ट करने वाला उसका यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना, ठीक है। बाकी यहाँ पे तू अपने डिवाइसेस का नाम सेट करना, जैसे नाइट, मैंने अभी अपना नाइट लाइट लाइट फैन एलईडी किया था, इसको मैं तेरे अकॉर्डिंग अब चेंज कर देता हूँ। जैसे ओके, तुझे अपने डिवाइसेस का नाम क्या रखना है, लाइक डिवाइस नेम वन तेरा क्या होगा? फर्स्ट वाला एलईडी, दूसरे वाले का एक्सटेंशन नाम रख दे, ये बेसिकली कंट्रोल होगा। सिर्फ अपने दो ही डिवाइस हैं इसलिए मैं बाकी सबको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दे। हाँ, तो ये मेरा कोड एलेक्सा के लिए था, इसको अच्छा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा फॉर गूगल में नहीं थोड़ा। अच्छा, तो मतलब बेसिकली जो इसमें मैंने जो ESP एलेक्सा लाइब्रेरी यूज़ की लाइब्रेरी वो गूगल का यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। सो हमारे इंजीनियर ने काफ़ी देर तक ढूंढा, बट गूगल मिनी का कुछ लाइब्रेरी होता है आई थिंक वो अवेलेबल नहीं था, या ढूंढने में टाइम लग रहा था, विवेक को नींद आ रही थी। नाउ हम पड़ोसी के एलेक्सा उठा लाएं, वो सो रहा था, देखो ट्रिगर हो गई। नथिंग नथिंग नथिंग, देख सकते हैं आप फ्रस्ट्रेशन लेवल। हाँ, तो ये हम ले आए, कनेक्ट कर लिया इसको मैंने अपने मोबाइल से, एंड राइट नाउ इज ट्रांसफरिंग द एलेक्सा वाला कोड इन दिस वन। राम जी क्या कर रहा है? सेम काम कर रहा है, बट ये चार रूम अपने लिए एक्टिवेट कराएगा। तो मैं बेसिकली चारों रिलेज में अपने कनेक्शन दे रहा हूँ। यस, दो में दे चुका हूँ, दो और बचे हैं। यप, इसमें दो वन टू करके लगाना है इसमें। वन टू। सो ये थर्ड वाला तभी यूज़ होता है जब टू वे स्विच बनाना हो। सो विवेक कभी चला गया यार, उसका अर्जेंट फ़ोन आया ऑफिस से, कुछ काम था, जाना पड़ा, उसका यूके का जॉब है, वहाँ छुट्टी नहीं होती है। सो या और राम जी क्या कर रहा है? Yes, wiring. अभी भी वायरिंग कर रहा है राम जी। इससे पहले बिफोर यूजिंग दिस थिंग, आई मीन ये डिवाइस यूज करने से पहले, यू आर ट्राइंग टू यूज रेसबेरी पाई है ना? तो रेसबेरी पाई पे अपना पूरा एलेक्सा अपलोड किया था, मतलब उनका पूरा कोड ओपन सोर्स होता है, सो अपलोड किया था। बेसिकली जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है वो तुम वहीं पे कर रहे थे। मतलब अगर हमारे पास एक्सटर्नल कोई एलेक्सा नहीं है तो हम लोग ये सोच रहे थे कि रेसबेरी पाई के थ्रू ही उसको एलेक्सा, मतलब रेसबेरी पाई को एलेक्सा के थ्रू एलेक्सा जैसे कनेक्ट कर सकें ताकि एक्सटर्नल एलेक्सा की जरूरत नहीं पड़े। बट उस टाइम वो हुआ नहीं था, कुछ उसमें दिक्कत थी, शायद वो रेसबेरी पाई का जो वर्जन था वो थोड़ा स्लो था पहले का। मतलब रेसबेरी पाई तो ऑफ कोर्स काफी छोटा कंप्यूटर होता है, तो पहले का था तो उसमें वो काम नहीं किया, तो फिर एक्सटर्नल सोर्स ही लाना पड़ा एलेक्सा। रेसबेरी पाई बेसिकली 3-5 हज़ार के आसपास का मिलेगा पूरा, तो वो चलता भी नहीं है, सो उससे सस्ते में तो यही आ जाता है, बना बनाया सब कुछ। एग्जैक्टली उसमें कुछ ना कुछ एरर्स भी आती रहेंगी, बग्स आते रहेंगे, सो बेस्ट है। एलेक्सा एक्सटेंशन जला दो। ठीक है, जला हुआ है पहले। अच्छा जला है। एलेक्सा एक्सटेंशन बंद कर दो। ठीक है, बंद हो गया। एलेक्सा एलईडी जला दो। सही है, इट्स वर्किंग विवेक। विवेक सो गया क्या? बट विवेक इज नॉट वर्किंग। टर्न ऑन विवेक। ओके यश, ये वाला स्टेप थोड़ा ध्यानपूर्वक करें, झटका मार सकता है। हमने बेसिकली MCB बोर्ड गिरा दिया है। बोर्ड क्या? हाँ, MCB बोर्ड नहीं, MCB से गिरा दिया है। नाइस, खोल तो दिया, बंद करना आता है ना विवेक? हाँ भाई, ठीक है, आके सीखा है। तो AC कंट्रोल हो जाता है, लाल लगाना है इसमें ऊपर वाले में। ये रिलेज अभी तो लगाया है बेसिकली। हाँ, तेरा AC आ रहा है और तू DC से AC कहते हैं, ये आर्डिनो वगैरह में ये नोड MCU में DC पावर होती है, तो तू DC से AC कंट्रोल कर सकता है। ओके, ऑन जस्ट 5 वोल्ट DC से तू 2 जो भी दे रहा है उसमें 40 वोल्ट जितना भी आता है कंट्रोल कर सकता है। वैसे तो मेरा लाइफ इंश्योरेंस है, डरने की बात ज्यादा डरने की बात नहीं, डरने की बात है भाई, कंपनी मेडिकल क्लेम भी देती है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब है और रोबोटिक्स क्लब, आज तक ऑटोमेट नहीं हुए। एक सीनियर ने हमारे रोबोटिक्स क्लब ऑटोमेट करने का ट्राई किया था, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जल गया सर। मुझे तेरे तकी में कवर बड़ा पसंद आया, स्लीप्स हियर, आई स्लीप हियर ना, ग्रीन वाला ग्राउंड है एंड पिंक वाला फेज है, ठीक वैसे लगा दिया। कूल कूल कूल,
नाउ जस्ट क्लोज द लिड, टर्न ऑन द एमसीबी और सब काम करेगा। अब ये बेसिकली मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग कोट्स है, हाउ बिग यू कैन थिंक इफ यू नो यू कुडंट फेल, सो दैट्स हाउ यू कैन एम, दैट्स हाउ यू सेट एम्स। और ये एलईडी ऑन, ओके अभी भी कनेक्ट हो रहा है। एलेक्सा इट्स बूटिंग, एलेक्सा एक्सटेंशन बंद कर दो। यहाँ से बंद हो रहा है पर यहाँ से खुल रहा है, जब इसको बोलो ये उल्टा काम कर रहा है, अभी कुछ वन और जीरो का लोचा है। मॉड्यूल तो बंद, रिले बंद है, इसने कनेक्शन उल्टे तो नहीं कर दिए बोर्ड के अंदर। सर अभी जो हमने बनाया बहुत सिंपल था, बोर्ड में बस कुछ वायरिंग वगैरह करनी थी, कोड डाल दिया, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, मतलब 5 मिनट का 10 मिनट का काम है अगर हाथ माहिर हो जाए तो। अब द थिंग इज कि इतना सिंपल है, क्लास 6 का बच्चा भी कर सकता है ना। ऑफकोर्स इलेक्ट्रिकल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को छूने के लिए, बट बहुत ईजीली कर सकता है। बट द थिंग इज कि लोग करते नहीं हैं, लोग यू नो थ्योरी पढ़ लेते हैं बट प्रैक्टिकल में अप्लाई ही नहीं करते। यहाँ पे आईआईटी कानपुर में, इनफैक्ट मैं आईआईटी की बात कर रहा हूँ, इतने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आए गए, मैंने आज तक किसी का रूम ऑटोमेटेड नहीं देखा, या यू नो कोई भी सिंपल सा भी डिवाइस रूम पे कुछ लगा नहीं है। वही बात है यार, करने को बहुत लोग कर सकते हैं, करता कोई नहीं। यूनिट पैशन, पैशन होना चाहिए बेसिकली। थ्योरी में तो बहुत कुछ होता है, अप्लाई कितने लोग करते हो, दैट्स द रियल थिंग। सो गाइस एक और चीज़, ये जो हमने यहाँ पे बनाया है ना, बेसिकली इन दो पोर्ट्स को हमने ऑटोमेट किया है, और एक आजकल स्मार्ट प्लग्स भी आते हैं जो आप लगा दो तो एवरीथिंग जो आप उस डिवाइस बेसिकली डिवाइसेस को प्लग करोगे वो प्लग्स ऑटोमेटेड होंगे, ऑन ऑफ कर सकते हो, इतना फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। सो फाइनली एवरीथिंग इज सेट अप। एलेक्सा टर्न ऑन बेडरूम। यो तो पूरा रूम ऑटोमेट हो चुका, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है, इस मोबाइल ऐप के थ्रू भी ये कंट्रोल हो जाता है। तो टर्न बेडरूम ऑफ, यस। और ये सेम वाईफाई नेटवर्क पे होने की जरूरत नहीं है, आई मीन मैं अगर कहीं लखनऊ में भी बैठा हूँ कानपुर में ये कंट्रोल कर सकता हूँ, दैट्स द बेस्ट पार्ट। एलेक्सा टर्न बेडरूम ऑन, यस। सो थैंक्स टू विवेक रामजी एंड इन दोनों लोगों के इंस्टाग्राम आईडीज मैं यहाँ दे दूंगा, ठीक है, गो फॉलो देम, पे दिक्कत हो तो पिंग विवेक, ठीक है, मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। एंड वन मोर थिंग, जो भी सामान खरीदना है, जो भी यहाँ पे यूज हुआ है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, कोड वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में, तो गो चेक इट आउट।